Hi guys, wish you a very good evening. This is me Aish Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So, जैसा कि आप सभी को बताया आज 5th of July है, Sunday है and I am really very sorry कि मैं morning में जो है video upload नहीं कर पाई. उसका reason कुछ some throat issues था मेरे साथ में और क्योंकि अब वो clear हो चुका है और तो आपके साथ में video share कर रही हूँ मैं. All those students who are waiting for me in morning. सो सबसे पहले तो उनको बहुत सॉरी है तहे दिल से एंड प्लीज़ कभी कभार थोड़ा सा इश्यूज़ हो जाते हैं तो आप उसे हैंडल कर लीजिए, है ना. द नेक्स्ट हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले जो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले कोटेशन लेते हैं, है ना. तो वो चीज़ लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है. तो वैसे ही आज का जो कोटेशन है वो है, सक्सेस इज़ व्हाट हैपेंस आफ्टर यू हैव सर्वाइव्ड ऑल ऑफ योर डिसअपॉइंटमेंट्स. देखिए, जीवन में बहुत सारे फेजेस आते हैं जब आप डिसअपॉइंट होते हैं. बहुत सारा टाइम ऐसा आता है जब आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं. हमें ऐसा लगता है आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अभी भी कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है, आने वाले टाइम की कोई गारंटी नहीं है. बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं ना. कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है, कई बार सिचुएशन सपोर्ट नहीं करते, कई बार लक सपोर्ट नहीं करता, कई बार प्रिपरेशन सपोर्ट नहीं कर पाती, हेल्थ सपोर्ट नहीं कर पाता. तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं लेकिन उन सभी डिसअपॉइंटमेंट्स को ओवरकम करके जो लोग सर्वाइव करते हैं और उन उसके बाद में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वही लाइफ जो है वो आपको सक्सेस तक लेकर जाती है. तो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट से हार कर पीछे मत हटिए, अपने रास्ते से पीछे नहीं हो जाइए, अपने गोल से पीछे नहीं होइए, आगे बढ़ते चले जाइए. सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे आप लोग और डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस. क्योंकि हमेशा कुछ भी अच्छा होने से पहले कुछ मुसीबतें, कुछ जो है प्रॉब्लम्स, कुछ बैरियर्स ज़रूर आते हैं लाइफ में, लेकिन डेफिनेटली वो आपको वही बैरियर्स, वही जो डिसअपॉइंटमेंट्स है वो आपको सक्सेस तक ले जाता है. ओके, सो ऑलवेज सर्वाइव विद दीज डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ट्राई टू गो अहेड बिकॉज दिस वे विल टेक यू टू सक्सेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस. द फर्स्ट न्यूज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज़ अबाउट COVID-19. आप सभी को पता है COVID-19 की वैक्सीन आउट हो चुकी है. 15th of August को जो है लीगली ऑफिशियली आउट हो जाएगी और इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा 15th of August को, है ना. और कोवैक्सीन नाम है इसका जो कि बाहर आने वाली है और उसकी वेट सभी लोग कर रहे हैं. ऑब्वियसली COVID-19 की वैक्सीन ग्लोबली लोग जो है इस पर वर्क कर रहे थे तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है. वैक्सीन की जो डेडलाइन है इसका मतलब है कट रेड टेप. इट मींस ICMR ने क्लियर किया है कि ये सारे टेस्ट, देखिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था कि अगर वैक्सीन रेडी हो चुकी है तो अभी ही क्यों नहीं रिलीज़ की जा रही है, इसको 15th of August तक क्यों वेट किया जा रहा है एंड ऑल ये सब कुछ चीज़ें आ रही थी सामने. तो उसको क्लियर करते हुए जो ICMR है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ये अभी चल रहा है और इसको जो है इनॉग्रेट या इसको जो है वैक्सीन को आउट करने के लिए डेडलाइन दी है 15th August, वो इसलिए दी गई है क्योंकि ये रेड टेप को कट किया जाएगा. इट मींस इसको एक जो है हमारा एक अचीवमेंट के तौर पे सेलिब्रेशन के साथ में इसे आउट किया जाएगा जिससे कि लोगों को ये जो है इससे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा फुलफ़िल हो सके और लोगों को इससे हेल्प मिल सके. ठीक है, ये लेटर सेंड करते हुए जनरल बालाराम भार्गव जी जो हैं ऑन अ वैक्सीन, उन्होंने ये लेटर सेंड करते हुए उनको ये क्लियर किया गया है कि इसका मतलब है कि हम जो है ये इसको लेकर फीताशाही, मतलब हम कह सकते हैं फीता जो काटने के प्रोसीजर होता है, ये सारा प्रोसीजर के बेसिस पे डेडलाइन दी गई है. बट ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस पर वर्क कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक इट. ओके, और जल्दी ही जो है ये काम में आएगी. So it was all about it. The next news is India set for more talks on LAC. LAC पर और ज़्यादा बात करने की बात इंडिया ने कही है. इस तरीके की प्लानिंग कुछ की गई है जिससे कि और इसके ऊपर बातचीत हो सके, LAC से रिगार्डिंग जो इशू चल रहा है उसके ऊपर. स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजित दोवल इज शेड्यूल टू मीट चाइनीज़ काउंटर पार्ट. चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिलने के लिए जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज़ अजीत दोवल. वो जो है मीटिंग करेंगे एंड अ डे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरप्राइज विजिट हुआ था नरेंद्र मोदी जी का ये यूनियन टेरेटरी लद्दाख में और वहाँ पर जाकर के उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है, पूरा जो है
हम कह सकते हैं मौके का मुआयना लिया है, और उसी के आधार पर जो है कुछ स्टेटमेंट्स भी उनके द्वारा आए हैं, और इस बेसिस पर ही कुछ इस तरीके के जो है वार्तालाप जो है एलएसी पर करने की बात की गई है, जिससे कि चाइना और इंडिया के बीच हो रहे डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसी बीच में चाइना पाकिस्तान ने डिस्कस किया है कश्मीर रिलेटेड इस मुद्दे पर, है ना। द डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल दैट इज़ LOC, आपको बता दूँ कि कश्मीरी एरिया के अंदर LOC एरिया के अंदर जो है हमारा पाकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूट चल रहे हैं LOC एरिया के ऊपर, और उस एरिया के अंदर जहाँ डिस्प्यूट चल रहे हैं वहाँ जो है काफ़ी जो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिल रहा है हमें, और वहाँ पर भी सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। इसी बीच में जो है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एंड हिज पाकिस्तान काउंटर पार्ट शाह मोहम्मद ने जो है टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के थ्रू इस मुद्दे पर बातचीत की है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई है, पर मैं आपको बता दूं कि LAC और LOC दोनों ही सिचुएशंस जो है काफ़ी गरमाई हुई है भारत के मामले में, और अभी तक हमारी कंफर्म जो है मीटिंग नहीं डिसाइड की गई है। ये जो इंडिया जो LAC से रिगार्डिंग जो मीटिंग्स या टॉक्स जो आगे बात करने के लिए जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी अभी तक डेट्स आउट नहीं हुई है, बट स्टिल वी कैन से कि इस पर वर्क चल रहा है। चाइना के साथ भारत के जो गरमाए हुए रिश्ते हैं उनको पुनः अपने यथास्थिति में लाने के लिए जो है कार्य चल रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द चाइनीज़ ऐप्स बैन। देखिए चाइनीज़ ऐप जो है भारत में बैन हो चुके हैं, 59 ऐप्स की लिस्ट हमने आपसे शेयर की थी जो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि ये जो चाइनीज़ ऐप्स बैन किए गए हैं इनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है या क्या देखने को मिलेगा। हाउ पॉपुलर आर दीज ऐप्स इन इंडिया, ये ऐप्स कितने पॉपुलर हैं इंडिया में, क्या सरकार जो है इन पर लीगली जो है मोहर लगा चुकी है, लीगली चैलेंज कर रही है सरकार, या क्या ऐसा सब कुछ घटित हो रहा है जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिसीज़न है ये इंडिया को इफ़ेक्ट करेगा, है ना। इन द वेक ऑफ द फेस ऑफ विद चाइनीज़ फोर्सेज से जो लद्दाख में जो इश्यूज़ हुआ जिसके चलते 15 जून को हमें अपने 20 जवान जो है उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ी, तो इस सारी घटनाक्रम जो कि चाइनीज़ ओरिजिन है, पूरा घटनाक्रम जो है चाइनीज़ ओरिजिन ऐप्स जो है उनको बैन कर दिया गया इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, ये पूरा जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है उसके चलते भारत ने सिक्योरिटी और नेशनल सोवरेनिटी के बेसिस पर, इन कंसर्न के बेसिस पर 59 ऐप्स को जो है बंद कर दिया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐप जो कि काफ़ी फेमस हैं और इंडिया में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, और मैं बता दूं कि इन सारी पर्टिकुलर ऐप्स कंपनीज़ को जो है काफ़ी इंडिया से अपना अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, तो उसी के चलते ये टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, हेलो, वाइबो एंड वीचैट एंड क्लब फैक्ट्री, ये जो पर्टिकुलर ऐप्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर ऐप्स हैं इंडिया के अंदर, ये ऐप्स भी बंद कर दिए गए हैं। बहुत पॉपुलर है ये इंडिया में हर कोई नहीं यूज़ करता, और ये टिकटॉक को लेकर तो शायद आपको पता भी होगा कि काफ़ी इश्यूज़ भी हुए हैं, पहले भी इन्हें बंद करने की कोशिश की गई है, स्टेप्स लिए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं, पर सरकार उन पर अमल नहीं कर पाई क्योंकि लोगों ने उसे काफ़ी अपोज़ किया, है ना। बट अब क्योंकि ये देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता का सवाल है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या किसी भी एंगल से जो है शोभा नहीं देता भारत के किसी भी नागरिक को, ठीक है। लेकिन अब इन सारे ऐप के बैन होने के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वास्तविकता में जो ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें या विश्व स्तर पर अगर हम बात करें, तो क्या ये भारत द्वारा उठाया गया एक गलत कदम है, क्या भारत के इन स्टेप्स से कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को भी जो है इसका प्रभाव झेलने को मिलेगा, या क्या ऐसा होगा कि भारत जो है उसका सरकार के साथ में भारत सरकार का अन्य सरकारों के साथ में कोई डिस्प्यूट्स देखने को मिलेगा, स्पेशली चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ में, या क्या जो है वर्ल्ड ट्रेड के बेसिस पे जो भी हम कह सकते हैं नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशन हैं उसके मुताबिक क्या ये डिसीज़न सही है, तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है कि क्या इस तरीके के जो स्टेप्स हैं, क्या इस तरीके का जो ये एक कदम है हमारा चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, वो हमें किस किस एरियाज़ में कैसे कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
ठीक है, द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने बताया कि ये जो 2059 ऐप्स हैं उन्हें जो ब्लॉक करने का डिसीजन है वो हमारा, वो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है भारत की उसके आधार पर लिया गया है। इनवोकिंग पावर्स कम्स अंडर दी सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी के सेक्शन 69A के तहत आता है, जिसके तहत भारत अपने सुरक्षा मापदंडों के आधार पर कोई ऐसी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड जो टिकटॉक या अन्य जो भी ये ऐप्स बैन किए हैं, इस तरह के कोई भी जो ऐप्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, प्रोसीजर एंड सेफगार्ड ऑफ फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2019 के तहत ये स्टेप जो है सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार ने बताया कि कुछ सिटीजन्स जो है उन्होंने काफ़ी इसके अगेंस्ट जो है अपोजिशन भी शो किया है, लेकिन कुछ ने काफ़ी सपोर्ट भी शो किया है इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई सी ई आर टी की जो रिप्रेजेंटेशंस है उसके बेसिस पर सिक्योरिटी डेटा और जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, उसके चलते इन ऐप्स को बैन किया गया है। ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से ये स्टेप लिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं और स्पेशली जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी इस बात में पूरी सहमति देखी गई है। उन्होंने भी भारत की संप्रभुता व सिक्योरिटी जो सुरक्षा तंत्र है उसको देखते हुए इन स्टेप्स को उठाना ज़रूरी समझा है, क्योंकि जैसे चाइना के साथ में भारत के रिलेशंस चल रहे हैं उनको देखते हुए ये हमें कहीं ना कहीं जो है स्टेप उठाना ज़रूरी था, इस तरह के स्टेप उठाना ज़रूरी है जिससे कि चाइनीज़ जो डेमोक्रेसी या हम कह सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इन ऐप्स के थ्रू या चाइना के लोग जो है वो इन ऐप्स के थ्रू भारत की सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को किसी भी एंगल से टच ना कर पाए, है ना। इन सभी के चलते ये जो देखिए ऐसा नहीं है कि 59 ऐप्स ही हैं, इसके अलावा कई ऐप्स हैं और कई सारे ऐसे ऑफलाइन भी ऐप्स हैं या मतलब ऑफलाइन वर्क्स भी है जो चाइना के साथ हमारे चल रहे हैं जैसे ट्रेडिंग एंड ऑल, बट स्टिल जो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती है उनके अंदर इन 59 ऐप्स को रखा गया है, जहां पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को जो है बिल्कुल असुरक्षित माना गया है, जो हमारा सुरक्षा या संप्रभुता का तंत्र है उसे यहां पे असुरक्षित पाया गया है, उसी के मद्देनज़र इन ऐप्स को बैन किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला है, देखने को मिलेगा, बट यही एक जो क्वेश्चन मार्क आके खड़ा होता है कि क्या ये ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड लेवल पे जो है जो हम कह सकते हैं कि लीगली चैलेंज्ड एक्शन था ये सरकार का, क्या ऐसी कोई जैसा कि चाइना ने ऑलरेडी लीगली जो है इसे इम्प्रॉपर एक्शन बताया है इंडिया के इस कदम को, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट हमें ये करना ज़रूरी था जिसके चलते हम अपनी संप्रभुता व सुरक्षा को बचा कर रख सकें, है ना। और जैसे चाइना के साथ में मामले हमारा ऑलरेडी गरमाया हुआ है, जो LAC पर सब कुछ चल रहा है उसको देखते हुए सिक्योरिटी मेजर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर रिलेशनशिप विद नेबर्स। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वाई हैज़ इंडियन रेलवेज ओपन डोर्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। ऐसा क्यों हुआ है कि इंडिया के अंदर जो एक पर्टिकुलर सेक्टर जो कि पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, जहाँ पे प्राइवेट का कोई लेना देना नहीं है, हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं मोनोपोली सी है गवर्नमेंट की या पब्लिक सेक्टर की इस एरिया में, अब ऐसा क्या घटित हुआ है या ऐसा क्यों हुआ है कि प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी गई है, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं इंडियन रेलवेज़ में। मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवेज़ की जहां बात आती है वो ये आती है कि भाई चलो इंडियन रेलवे इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट या कोई हम कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट सेकेंड प्लान बी तो है ही नहीं, जो है वो सिर्फ इंडियन रेलवे ही है, है ना। तो उसी के बेसिस पर जो है रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले जो है प्राइवेट जो है ट्रेन्स का भी प्राइवेट लॉन्चिंग हुई थी प्राइवेट रेलवेज़ की। इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग। इंडियन रेलवेज ने प्रोसेस स्टार्ट किया है किसका, ट्रेन ऑपरेशंस को ओपन करने का टू प्राइवेट एंटिटीज ऑन 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन। ओके, ओडी 109 ओडी के बेसिस पर प्राइवेट एंटिटीज को ट्रेन ऑपरेशन के लिए एंट्री दी जा रही है।
pairs of routes using 151 modern trains. 151 modern trains के जो है pairs use किए जाएंगे. It has invited requests for qualification purpose, qualifications per proposals and इसके basis पर vendor capability and other जो features है who can bring modern trains. इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है ये एंट्री दी जाएगी लोगों को. एट प्रेजेंट शेड्यूल्ड पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज रिमेन पैरालाइज्ड ड्यूरिंग द कोविड 19 पेंडेमिक के दौर में जो शेड्यूल्ड पैसेंजर ट्रेन्स है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज नज़र आ रही है, मतलब उसका कोई कार्य नज़र नहीं आ रहा है. जो स्पेशल ट्रेन सिर्फ चलाई गई है वो वर्कर्स के लिए चलाई गई है. अभी भी हमें जो है रेलवे एक ऐसा जो पर्टिकुलर सेक्टर है जो सबसे सेफ माना जाता है अब तक कोविड 19 से पहले तक, अब वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित माना जा रहा है कि यदि इस तरह की पुनः हम स्टार्ट कर देते हैं शेड्यूल को तो कहीं ना कहीं कोविड 19 के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. और ऑब्वियसली कोविड 19 जैसा कि कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहा है उसको देखते हुए सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए रेलवे को ओपन करना, अभी इंडियन रेलवे को ओपन करना क्वाइट इम्पॉसिबल है. उसी के चलते इंडियन रेलवे ने जो है प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट किया है टू ऑपरेट द रेलवे सर्विसेज. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट एंड आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. दिसंबर 2019 में यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये बात कही थी कि वो जो है प्राइवेट सेक्टर ट्रेन ये मतलब प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे, अलाउ करेंगे एंड उसके बेसिस पर जो है ये पर्टिकुलर एक्शन लिया जा रहा है. IRCTC जो कि हमें ऑलरेडी रन अप कर रहा है, देयर वॉज नो प्रपोजल टू अलाउ मोर तेजस ट्रेन कोर्स जो है स्टार्ट करने के लिए, अलाउ करने के लिए कोई प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया गया है. अभी मिनिस्टर्स ने ऐसी बात कही है, ये क्लेरिफिकेशन दिया है. एंड IRCTC इन विच द गवर्नमेंट इज़ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर वॉज गिवन पायलट तेजस ऑपरेशंस इन द न्यू दिल्ली लखनऊ एंड मुंबई अहमदाबाद सेक्टर. दीज वर द फर्स्ट ट्रेन्स अलाउड टू बी रन बाय अ नॉन रेलवे ऑपरेटर्स के बेसिस पर पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी वो जो है दिल्ली लखनऊ एंड मुंबई अहमदाबाद सेक्टर्स पे चलाई गई थी तेजस ऑपरेशंस के बेसिस पे. ओके, द प्रेजेंट मूव टेक्स अनदर स्टेप्स टुवर्ड्स कंपीटिंग पैसेंजर ट्रेन्स ऑपरेशंस. ओके, ब्रिंगिंग न्यू जनरेशन ट्रेन्स एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एन एस्टिमेटेड ₹30,000 crore इन्वेस्ट किए जाएंगे इन ऑपरेशंस पर. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट इट. सो समवेयर वी कैन से वी आर गोइंग टू डेवलप in the COVID-19, in this COVID-19 atmosphere or we can say pandemic time, we are going upwards. क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखिए development देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे sectors हैं जहाँ हमें development देखने को मिल रहा है और हर sector में हर इंसान को ज़रूरत है कि वो development की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये जो time है ये बहुत अच्छा time है, precious time है. खुद पर, खुद से रिलेटेड जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं देश के लिए, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं उन सबको प्लान करने पर, खुद के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो है हम देश के विकास को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ऐसे डिसीजंस या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो हमें कहीं ना कहीं ये कहने पे जो है मजबूर कर दे कि ये पेंडेमिक का जो टाइम है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ना. The next article is pathogens and predictions. Basically, what are scientists saying about a new strain in China? Reports of an emergent viral infection transmitted from pigs in China dominated the news earlier this week. Okay, इस week के earlier time के अंदर जो है शुरुआती दौर के अंदर China के अंदर pigs में से transmit होने वाला एक viral infection की बात आई थी. Newspapers and television channels reported that a new strain of H1N1, also known as swine flu, had started infecting workers and recommendations of scientists were that it must be controlled with a great deal of urgency as it had the potential of becoming yet another pandemic. एक नया pandemic शुरू हो जाए उससे पहले ज़रूरी है कि इस virus को रोका जाए, ऐसा news reporters और channels बता रहे थे. What are the risk from emerging pathogens? Pathogens के emergence का risk क्या क्या है? इस stage पर अगर हम बात करें तो potential harm from G4EAH1N1, the new strain has just been flagged by scientists who predict its risk from emerging pathogens. Okay, knowledge of the existence of the virus in pig farms in China. China में pig farms जो हैं वहाँ पर देखा गया है ये.
और ये करीब 2016 से अब तक ये पिग फार्म चल रहे हैं। इन पिग फार्म्स के अंदर ये स्वाइन फ्लू का इफेक्ट जो है देखा गया है। 2009 में ऑलरेडी पहली बार जो है स्वाइन फ्लू सामने आया था H1N1, और फिर से एक बार जो है इसका प्रादुर्भाव देखने को मिल रहा है। स्टडिंग अ पैथोजीन विल यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड वैल्यूएबल, ट्रांसमिशन से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो पैथोजीन की स्टडीज से आपको मिल सकती है। और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिविंग ह्यूमन लेसन्स इन इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ग्लोबल हेल्थ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग WHO मस्ट सेंड आउट अलर्ट्स। WHO को अब सभी जगह अलर्ट जारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर H1N1 को कंट्रोल नहीं किया गया, G4 वायरस जिसकी बात की जा रही है पैंडेमिक की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे वायरस की कैटेगरी में आने वाला H1N1 वायरस जो है उसे रिसेंटली जो अभी पिग्स जो पार्क था, फार्म था, वहाँ से जो स्प्रेड हुआ है चाइना के अंदर वर्कर्स में देखने को मिला है। तो अगर इसे स्टॉप नहीं किया गया तो ये दूसरे पैंडेमिक के रूप में सामने उभर कर आएगा, और ऑलरेडी हम एक पैंडेमिक से अभी जूझ रहे हैं, अभी हम उस पैंडेमिक से बाहर भी नहीं आए हैं। द रिसर्चर्स कलेक्टेड 338 ब्लड सैंपल्स फ्रॉम वर्कर्स ऑन 15 फार्म्स एंड 230 फ्रॉम पीपल इन नियर बाय हाउस होल्ड्स। आस पड़ोस में रहने वाले जो जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वहाँ से 230 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, और वहीं पे 15 जो है फार्म से वर्कर्स के 338 ब्लड सैंपल्स ऑलरेडी वहाँ पे लोगों द्वारा से कलेक्ट कर लिए गए हैं। द रिजल्ट इज पब्लिश्ड फाउंड दैट 10.4% ऑफ द परसेंट ऑफ द वर्कर्स एंड 4.4% ऑफ द वर्कर्स टेस्टेड पॉजिटिव। इन सभी में पॉजिटिव पाया गया है। G4EAH1N1 नाम है इसका, और ये वायरस जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। 18 से 35 वर्ष के लोगों के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं। सो समवेयर जहाँ पे चाइल्ड और ओल्ड एज जो है ऑलरेडी कोरोना वायरस से इफेक्ट होने का खतरा जिन लोगों को था, उसी के दौर में एक नया सेक्टर जो है 18 से 35 जो कि काफ़ी सेफ सेक्टर था COVID-19 के दौर में, वही एक फिर से कटघरे में, हम कह सकते हैं बहुत अनसेफ से अनसिक्योर एरिया में आकर खड़ा हो गया है, और वो हुआ है इस नए वायरस की वजह से। ओके, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो चाइना इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ वायरसेस टू अस एंड इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है काफ़ी उनका और किसी मामले में योगदान हो ना हो, वायरस देने में काफ़ी योगदान रहा है, और हर एज ग्रुप के लोगों को काफ़ी अच्छा उन्होंने एक गिफ्ट तोहफे के रूप में दिया गया है वायरस। सो समवेयर इट वॉज जस्ट जोक्स अपार्ट बेसिकली, बट ये एक चिंताजनक कंडीशन है, चिंताजनक स्थिति है कि एक अगर इसे WHO द्वारा जो है अलर्ट घोषित नहीं किया गया इस मामले में, तो जल्दी ही ये फिर से अपना एक पैंडेमिक के रूप में, महामारी के रूप में सामने आएगा, जो कि कई सारी लाइफ्स को ऑलरेडी स्पॉइल जो हो चुकी है उसके अलावा और जो लाइफ्स बची है उन सभी को स्पॉइल कर देगा, है ना। सो समवेयर गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट एंड WHO ऑल्सो शुड वर्क ऑन इट, एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पर कार्य करने की, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करने की। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सब हमने यहाँ डिस्कस किया है। आपके लिए होमवर्क के रूप में जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो है G4EAH1N1। आप इसके बारे में जो भी जानते हैं आप पढ़िए, और इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ओके, सो इट इज़ अ न्यू वायरस, काफ़ी जो है न्यूज़ में रहा है पिछले दिनों। इसके अलावा हमने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की जो हो सकती थी वो सब कवर की है, आप इनको पढ़िए। द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस लेना ज़रूर बिल्कुल भी ना भूलिए, बिल्कुल आप इसे डेली बेसिस पर लीजिए, जिससे कि आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ना भूलिए, बिकॉज बहुत हेल्पफुल है वो आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। ओके, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आज के इस पूरे एनालिसिस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है वो है G4EAH1N1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सो यू शुड गो फॉर इट। G4 वायरसेस क्या है, G4EAH1N1 क्या है, और H1N1 से रिलेटेड जो स्वाइन फ्लू जो पहले ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है वो क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है बेसिकली, G4 वायरसेस है क्या, और अभी जो फैला है, अभी जो स्प्रेड हुआ है वायरस हो रहा है वहाँ पे, और उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये मैं आपको डेली बेसिस पे होमवर्क इसलिए देती हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, उस बारे में पढ़ें,
बैठकर, है ना। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड नॉलेज फ्रॉम दीज एनालिसिस। एंड अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, यू कैन गिव इट इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।